हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की चटपटी नाश्ते की रेसिपी है बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार, तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमने दो कच्चे आलूओं को धोकर ले लिया है। यहाँ पर पहले हमने इसका छिलका निकाला है, उसके बाद इसे धो लिया है। अब इन आलूओं के इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काट कर लेना है हमें। तो काट कर हमने दोनों आलूओं को ले लिया है यहाँ पर। अब इन आलूओं को हम एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें पानी ऐड करके इसे आलूओं को अच्छी तरीके से धो लेंगे। तो बस आलूओं में पानी डाल लिया है हमने और इसे अच्छी तरीके से हाथों से मल कर धो लेना है ताकि इसका स्टार्च वगैरह निकल जाए। और अब लेना है हमें यहाँ पर मिक्सर जार, और जो आलू हमने धो लिए हैं उन आलूओं को मिक्सर जार में डालेंगे। यहाँ पर कच्चे आलूओं को मिक्सर जार में हमने डालेंगे और आलू के साथ अब इसमें डालेंगे हम एक छोटी कटोरी के नाप से सूजी। तो यहाँ पे सूजी भी हमने डाल ली है। अब इसमें सूजी के साथ यहाँ पर दो हरी मिर्च का यूज़ करेंगे हम, और डालेंगे यहाँ पर आधा चम्मच जीरा, और इसके साथ ही आधा चम्मच यहाँ पर सौंफ का यूज़ किया है हमने। सौंफ का यूज़ करने से नाश्ते का टेस्ट बढ़ जाता है और हमारे पेट के लिए भी बहुत लाभकारी होती है। इसके साथ डालेंगे यहाँ पर हरी धनिया की पत्ती और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम बस इसे पीस लेंगे। तो सभी चीज़ों को हम थोड़े से पानी के साथ पीसेंगे। अगर आप बिना पानी के चाहें तो भी पीस सकते हैं, आलू में बहुत सारा मॉइस्चर होता है। तो बस इस तरीके से बस पीस के आपको दिखाते हुए, देखिए पीस चुका है, इसे खोल लेंगे हम। हाँ, अब इसे हम एक बाउल में ऐड करेंगे। तो यहाँ एक मिक्सिंग बाउल ले लेना है हमें, और उसमें जो हमने मिश्रण बनाया आलू का उसे निकाल लेना है। पूरा हमने चम्मच से निकाल लिया है इस तरीके से। तो अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा, इसके बाद डलेगा इसमें स्वादानुसार नमक। इसके साथ यहाँ पर एक खड़ी लाल मिर्च ली है हमने, तो इसे भी कट करके डाला है यहाँ पर। इसके बाद डालेंगे हम इसमें एक चम्मच गरम मसाला और बारीक कटी हरा धनिया की पत्ती। तो इतना ही मसाले हमने इसमें डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारे नाश्ते का। तो बस अभी से सभी चीज़ों को चम्मच की सहायता से अच्छी तरह मिक्स करते जाना है, जिससे कि सभी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। तो बस मिक्स हो चुकी हैं, तो इन्हें ढककर साइड में रखेंगे हम, ताकि हमारी सूजी वगैरह अच्छे से फूल कर हमारा बैटर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर एक तवा लिया है हमने, इसमें आधा प्याज लिया है कट करके, लंबाई में मैंने प्याज को काटा है, और आधा ही टमाटर लिया है हमने, इसे भी रफली कट कर लिया है। तो इसमें एक हरी मिर्च का यूज़ किया है हमने, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसके बाद डालेंगे आधा चम्मच जीरा, और यहाँ पर डालेंगे आप मूंगफली की बीजे। तो थोड़ी सी मूंगफली की बीजे भी हमने इसमें ऐड कर ली है। तो अब इन्हें भून लेंगे हम, मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे रखते हुए हमें भूनना है। तो ऊपर से थोड़ा सा आधा चम्मच लगभग हमने तेल डाल लिया है, जिससे कि अच्छी तरह ये भून के तैयार हो जाएगा। तो बस दो मिनट इस तरीके से भूनते हुए इसे तैयार करेंगे हम। तो ये अच्छी तरीके से भून चुका है, बस अब हम पर हमने हरी धनिया की पत्ती भी ले ली है थोड़ी सी, और इन सभी चीज़ों को मिला लेंगे। यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, क्योंकि ये सब चीज़ें भून चुकी है अच्छी तरीके से। बस इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे हम, और अब यहाँ पर मिक्सर जार ले लिया है हमने, इसमें डालेंगे। और अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे पीस कर तैयार करेंगे। तो पीस के हम दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही स्वादिष्ट थी ये हमने चटनी बना ली है नाश्ते के साथ। तो बस इसे एक बाउल छोटे कटोरे में निकाल लेंगे यहाँ पर हम, इस तरीके से निकाल लिया है। अब इसके लिए बनेगा एक तड़का। तो यहाँ पर तेल हमें गर्म कर लेना है दो चम्मच, और ये तेल हमने गर्म कर लिया है यहाँ पर, और इसमें डालेंगे आधी चम्मच राई और आधे चम्मच जीरा, और यहाँ पर एक लाल मिर्च डालेंगे, कड़ी लाल मिर्च। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लें एक बार, और ये जो चटनी हमने बना के रखी है उसमें ये तड़का डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, चटनी में हमने नमक भी डाल लिया था, वो नमक स्किप हो गया है वीडियो। तो बहुत ही टेस्टी सी ये चटनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है नाश्ते के साथ।
अब बैटर भी हमारा तैयार हो चुका है बनने के लिए, इस तरीके से गाढ़ा हो चुका है ये थोड़ा। तो बस कढ़ाई रख लेना है गैस पे और इसे बस थोड़ा सा तेल गर्म हो जाए तो बस नाश्ते को चम्मच से डालते हुए यहाँ पर बना लेना है। तो पहले मैं चम्मच से डाल रही हूँ इस तरीके से। यहाँ पे आप हाथों का भी यूज़ कर सकते हैं, बस लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई कर लेना है। इस तरीके से गोल्डन कलर में जब आने लगे तो नाश्ते को हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको दूसरी बैच हाथों से बनाकर भी दिखाऊंगी यहाँ पर। तो देखिए इस तरीके से निकाल लेंगे हम पहले इन्हें, और यहाँ पर दूसरी बैच बनाने के लिए हाथों का यूज़ करेंगे हम। तो हाथों में बैटर लेंगे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा, और हाथों से ही डालेंगे जिस तरीके से हम पकौड़े वगैरह बनाते हैं। इस तरीके से डालते हुए बस नाश्ते को बनाएंगे। तो यहाँ पर इसे भी लो टू मीडियम फ्लेम पर बस रखते हुए सेकना है ताकि यह बहुत अच्छी तरीके से अंदर तक सिक जाएगा, ऊपर से एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बनेगा नाश्ता हमारा। तो इस तरीके से लो मीडियम फ्लेम पर हमें बनाकर इस नाश्ते को तैयार करना है। तो जैसे जैसे ये गोल्डन कलर में आने लगेगा नाश्ते को हम निकालेंगे। तो इस तरीके से फ्राई करते हुए जैसे ही गोल्डन हो चुके हैं इसे ही हमने निकाल लेंगे। तो यहाँ पर तीसरी वेज भी हमने सेक कर निकाल ली थी। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सा नाश्ता हमारा बनकर तैयार हुआ है, और स्वादिष्ट चटनी भी बनी है। तो किस चीज़ का इंतज़ार है, ज़रूर इस नाश्ते को बना के तैयार कीजिए और कमेंट में मुझे भी बताइए आपने आपका नाश्ता कैसा बना है। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।